आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है वो अपने ओवुलेशन को ट्रैक कर रही होती हैं, लेकिन जब वो ओवुलेशन को ट्रैक करती हैं सही टाइम पे रिलेशनशिप भी प्लान बनाती हैं और सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी ट्राई करती हैं फिर भी कंसीव नहीं होता है, तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है आपके अंडे की क्वालिटी का ख़राब होना। अगर इन केस आपने सारा सब कुछ सही टाइम पे किया, रिलेशनशिप भी प्लान किया, ओवुलेशन को समझने की कोशिश की और ओवुलेशन भी आपका हुआ लेकिन अंडे की क्वालिटी इतनी अच्छी है ही नहीं जो कि फर्टिलाइजेशन उसकी सक्सेसफुली हो जाए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने अंडे की क्वालिटी को बूस्टअप कर सकती हैं और कौन कौन सी छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिसको ध्यान में रख के आपके अंडे की क्वालिटी में भी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही सुधर जाएगी। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस फैबल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे अंडा बड़ा होता है, अंडा फॉलिकल से लेके फॉलिकल रप्चर होने तक ये जो प्रोसेस हो जाती है कम से 3 महीने का प्रोसेस होता है। अगर मैं आपको कोई ऐसा नुस्खा बता दूं जो कि 1 महीने में आपके अंडे की क्वालिटी को ठीक कर दे, और इस तरह के वीडियो जो भी ये दावा करते हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि रूट लेवल से जब से आपका फॉलिकल बनना स्टार्ट हो रहा है और जब तक ये रप्चर नहीं हो जाता है इस प्रोसेस को कम से कम 3 महीने लगते हैं। तो ओवरनाइट या 10 दिन या 12 दिन 15 दिन कोई भी टिप्स फॉलो करके आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाली है। अगर अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाना है तो आपको कम से कम पेशेंसली 2 से 3 महीने का समय ज़रूर देना पड़ेगा और अपने बेसिक रूट लेवल से ही बहुत सारे चेंजेस करने की आवश्यकता होती है। पहला जो चेंजेस होता है आपकी डाइट को लेकर, आप क्या चीज़ें भोजन के रूप में ले रही हैं उसी का असर ही आपकी बॉडी में दिखाई देगा। तो बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। शुगर आपकी बॉडी को अंदर अंदर से तोड़ती है। आप यूं समझ लीजिए कि एक नॉर्मल सा रोड है जहां पर बस रिक्शे या साइकिलें या फिर मोटरसाइकिल चल सकती है, वहां पर अगर आप ट्रक चलाओगे तो वो उस रोड की क्या हालत होगी। सेम उसी तरह की प्रक्रिया भी आपके शरीर में होती है, जिस भोजन को इजीली डाइजेस्ट होने में नॉर्मली जो आपका बॉडी है वो एडेप्टेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट को ले जाने से क्या होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगती है और शुगर आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि जैसे जैसे आप अपने शुगर के इंटेक को बढ़ाते हैं आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस भी घटते हैं, और जब भी अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं होगा तो फाइबर से भी होता क्या है कि उसकी कमी से भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और यही बहुत बड़ा कारण होता है बहुत सारी महिलाएँ डायबिटिक हो जाती हैं, और डायबिटीज़ जिन महिलाओं को होती है उनको भी कई बार अंडे की क्वालिटी उनकी बेहतर नहीं बन पाती है। आपको लगेगा कि मैम मैं तो 27 ईयर्स की हूँ, मैं तो 28 ईयर की हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है शुगर से। देखिए, शुगर आपको डायरेक्टली नुकसान नहीं करता है लेकिन ये स्लो पॉइजन के जैसा काम करता है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी को हार्म होगा ही होगा और अंडे की क्वालिटी भी बेहतर रूप से नहीं बन पाती है। तीसरी चीज़ है कि जब अंडे की क्वालिटी बनती है उस टाइम पे आपके सारे हार्मोन अच्छे होना ज़रूरी है, जैसे कि LH, FSH और प्रोलैक्टिन की मात्रा बिल्कुल नियमित समय पे हो, या फिर आपका जो एस्ट्रोजन की जो वैल्यू है वो भी सही टाइम पे ट्रिगर हो, तभी जाके आपकी ओवरी से अंडा रिलीज होता है। लेकिन जिस टाइम पर आपके हार्मोन को सही रखने की आवश्यकता है उस टाइम पर आपके हार्मोन ही बिगड़े रहेंगे तो सही टाइम पर ओवरीज को सिग्नल ही नहीं मिलेगा, और ओवरीज से सही सिग्नल नहीं मिलने के कारण अंडा भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं होगा, अंडे की क्वालिटी भी खराब होती है ड्यू टू आपके गलत हार्मोन की वजह से। तो ये हार्मोन बिगड़ने का क्या क्या बेसिकली रीज़न होता है, आपकी स्लीप पैटर्न। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लीप में अगर आपका पैटर्न गड़बड़ हो रहा है, जैसे कि रात के 2 बजे 3 बजे आप स्लीप करती हैं, सुबह में 9 बजे 10 बजे जगती हैं, आपकी जो स्लीप साइकिल है बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, तो उस टाइम पर भी आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है, हार्मोन बिगड़ते हैं, वो भी बहुत हद तक बिगड़ते हैं जिसका अंदाज़ा आपको बाद में पता चलता है आपकी रिपोर्ट्स को लेके। तो आपकी अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्लीप पैटर्न को भी अच्छा रखने की ज़रूरत है। वहीं पर चौथा बहुत बड़ा रीज़न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो महिलाओं के साथ अक्सर देखा जा रहा है कि फैमिलीज़ के बीच में इतना तनाव हो रहा है, वर्क का इतना लोड है और इतना ज़्यादा स्ट्रेस है जिसकी वजह से भी उनके अंडे की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो कम से कम आपको 2 से 3 महीने अपनी बॉडी को देना है, अच्छी डाइट लेनी है, स्ट्रेस फ्री लाइफ रखनी है ताकि आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी तरह से बूस्टअप हो सके, क्योंकि
कहीं ना कहीं अगर हार्मोन डिस्टर्ब होगा तो हार्मोन डिस्टर्ब होने से आपके अंडे की क्वालिटी डेफिनेट बेसिस पे आपकी डिस्टर्ब होगी होगी, इस बात को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी बॉडी को अच्छे रूप से काम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी होना ज़रूरी है। अगर आप सोचिएगा कि नहीं मैं बस किचन में खाना बना लेती हूँ, दैट इज़ मोर देन एनफ, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, आपको किचन से भी बाहर निकलना पड़ेगा। किचन के बहुत सारे ऑलरेडी काम होते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ के नाम पे आपको 40 से 50 मिनट टहलना बहुत ज़रूरी है। आप छोटी मोटी योगा अगर करती हैं तो आप कम से कम 20-25 मिनट का योगा कर लें, 20-25 मिनट आपको वॉकिंग करना चाहिए या आपने ट्रेडमिल कर लिया, कुछ भी अगर आपको एक्टिविटीज़ के रूप में आप कुछ भी नहीं कर रही हैं तो आपकी बॉडी का हार्मोन भी बिगड़ता है और जो मेटाबॉलिज्म होती है वो भी स्लो डाउन होती है, आपकी बॉडी अच्छी तरह से फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और धीरे धीरे के अंडे की क्वालिटी आपकी लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से खराब होती है। तो कम से कम 2 से 3 महीने का समय दीजिए, आपके अंडे की क्वालिटी बेहतर बनेगी। और डाइट में आपको ऐसे फाइबर युक्त चीज़ें लेनी है, प्रोटीन युक्त चीज़ें लेनी है, जिससे कि आपकी बॉडी में अच्छी तरह से डाइजेशन हो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी बिल्कुल भी ना होने पाए। क्योंकि 2 से 3 महीने का समय दीजिएगा, आपके अंडे की क्वालिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी और आप जब रिलेशनशिप प्लान करेंगे तो उस टाइम पे आपके एग का फर्टिलाइज होने का चांसेस बनेगा, क्योंकि जो आपका एग है वो पूरी तरह से परिपक्व हुआ होगा। 18 से 20 mm का अंडा ही जो होता है वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए रेडी होता है। तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके देखिए, आपकी जो लाइफ स्टाइल है अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होगी तो आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं देगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि छोटे मोटे जो भी आपके सवाल रहते हैं आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनके जवाब वहाँ पर आपको मिलेंगे, चैट इनेबल किया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पर सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।